हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अशुद्ध शुद्ध शब्द, कुछ महत्वपूर्ण अशुद्ध शुद्ध शब्द। अशुद्ध शुद्ध शब्द, तो ये जो व्याकरण का टॉपिक है, अशुद्ध शब्दों से शुद्ध शब्द बनाना हम सीखेंगे। अशुद्ध शब्दों से शुद्ध शब्द बनाने की विधि नंबर वन। और कुछ अशुद्ध शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम अशुद्ध लिख देने से हमारी जो भाषा शैली है उसमें अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो आज हम एग्जाम की दृष्टि से जो जो अशुद्ध शब्द हैं और उनका किस तरीके से शुद्ध रूप होना चाहिए, मुख्य मुख्य अशुद्ध शब्द देखते हैं, और जो कि एग्जाम में आते हैं जिनका शुद्धिकरण किस तरीके से किया जाना चाहिए वो देखते हैं। तो आज हम कुछ अशुद्ध शब्द लिखेंगे इधर और उनका शुद्धिकरण इधर करते हैं। तो नंबर वन की बात करते हैं, इधर है अशुद्ध शब्द, ये तो है अशुद्ध शब्द और इधर है शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द में पहले देखेंगे अपन अगम। अगम जो है अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध होगा अगम्य। अगम्य, उसी प्रकार अगला जो है वह है अक्षर। अक्षर, अक्षर का होगा अक्षर। उसी प्रकार देखें अनेकों। अनेकों अपने आप में अशुद्ध है, इसका होगा अनेक, उसमें अपने आप में होगा अनेक। उसी प्रकार देखें आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है अशुद्ध होगा, इसका शुद्ध होगा आशीर्वाद। उसी प्रकार से इप्सा, इसका शुद्ध रूप होगा इप्सा, मात्रा हो रहा है इसके ऊपर। उसी प्रकार आहार, आहार का आहार होता है आहार, आहार का आहार। ठीक उसी प्रकार से इंद्रा, इंद्रा इसका हो जाएगा इंदिरा। और भी जो अशुद्ध हैं उनका शुद्ध रूप देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मुख्य हैं, जैसे है आयु। आयु जो है उसमें मात्रा का फर्क है, आयु छोटी उनकी मात्रा है। उसी प्रकार से ईर्ष्या, इसमें आएगा ईर्ष्या। ठीक उसी प्रकार से उन्नति, उन्नति जो है उसमें आएगा उन्नति। उमर, उम्र। क्लेश, क्लेश इसमें क्लेश में से संकर आ जाएगा क्लेश। ठीक उसी प्रकार से कारण, कारण जो है अशुद्ध है, इसका हो जाएगा कारण, कारण का हो जाएगा कारण। उसी प्रकार से क्षत्री, अशुद्ध है क्षत्रिय, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। उसी प्रकार से स्त्री, स्त्री जो है अपने आप में अशुद्ध है, इसका हो जाएगा स्त्री। उसी प्रकार से स्कूल,
स्कूल इसका हो जाएगा स्कूल, स्कूल का हो जाएगा स्कूल। इसी प्रकार से कृपया कृपया तो इसका हो जाएगा कृपया। और भी हम अशुद्ध शुद्ध शब्द देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्व रखते हैं, उसी प्रकार से हम देखेंगे केस। केस में दो मात्रा नहीं बल्कि एक मात्रा आएगी केश। उसी प्रकार से खुश, खुश में स सर्फ नहीं बल्कि स शंकर आएगा खुश। और में दो मात्रा आएंगी और। उसी प्रकार से हम देखते हैं तंबाकू, तंबाकू तंबाकू में आएगा तंबाकू तंबाकू। उसी प्रकार से क्षेत्र, इसमें आएगा क्षेत्र, क्षेत्र में आ जाएगा क्षेत्र। उसी प्रकार बंधु, छोटा हो की मात्रा बंधु। बहन, बहन अपने आप में अशुद्ध है उसका होगा बहिन। उसी प्रकार हम देखते हैं भक्त, भगत जो कि अशुद्ध है इसका हो जाएगा भक्त शुद्ध शब्द। उसी प्रकार से भैया, भैया भैया जो है अशुद्ध शब्द है इसका होगा भैया भैया। आधा यह जो है वो हट जाएगा, पूरा यह आएगा भैया। उसी प्रकार से मधु, मधु में छोटी उ की मात्रा आएगी मधु। उसी प्रकार अशुद्ध शब्द है मेहनत, इसका होगा मेहनत, मेहनत का हो जाएगा मेहनत। ठीक इसी प्रकार से और जो एग्जाम की दृष्टि से मुख्य मुख्य अशुद्ध शब्द हैं और उनका शुद्धिकरण किस तरीके से होना चाहिए वो देखते हैं। जैसे भीख, भीख इसका हो जाएगा भीख, भीख कह की जगह खे आ जाएगा। भैरव इसका होगा भैरव। उसी प्रकार से मंजू, मंजू यानी मधुर इसका होगा मंजू छोटी उ की मात्रा। अब है मणि, छोटी ई की मात्रा मणि। उसी प्रकार है मच्छरदानी, मच्छरदानी इसका हो जाएगा मच्छरदानी। उसी प्रकार से पृथ्वी, पृथ्वी में आदत है आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी में आदत है आएगा। उसी प्रकार से प्रगट, प्रगट का हो जाएगा प्रकट। उसी प्रकार से पर्वत, पर्वत का हो जाएगा पर्वत। ठीक उसी प्रकार से स्टेशन, स्टेशन तो इसमें ई हट जाएगा और स्टेशन आ जाएगा स्टेशन।
उसी प्रकार से ईश्वर, ईश्वर इसका हो जाएगा ईश्वर। उसी प्रकार से औरत, औरत औरत दो मात्रा आएगी औरत। ठीक उसी प्रकार से और भी अशुद्ध हम शब्द देखते हैं जिनका शुद्धिकरण किस तरीके से किया जाता है। जैसे एक है कवि, इसका छोटी की मात्रा कवि। उसी प्रकार से श्रृंगार, श्रृंगार श्रृंगार का होगा श्रृंगार। उसी प्रकार से पुष्ट, पुष्ट टै की जगह ठेठ टेढ़ा पुष्ट। उसी प्रकार से ज्ञान, ज्ञान तो इसका क्या हो जाएगा ज्ञान। उसी प्रकार से तस्तरी, तो ये जो सहना संकर वाला जाएगा तस्तरी। उसी प्रकार से हम देखेंगे जैसे झूठ, झूठ तो झूठ में बड़ाओ की मात्रा झूठ। उसी प्रकार से नई की मात्रा नई। उसी प्रकार से नर्क, नर्क नहीं होता है वो नरक होता है। उसी प्रकार से नाराज, नाराज नहीं नाराज होता है। उसी प्रकार से पड़ोसन, तो उसका होता है पड़ोसिन, पड़ोसन की जगह पड़ोसिन। उसी प्रकार जैसे तत्व, तो इसमें तय अदा तय और वह तत्व अदा तय और आएगा तत्व। और भी हमें जो शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य हैं शब्द हैं वो देखते हैं। जैसे त्योहार, त्योहार में एक ही मात्रा आएगी त्योहार। ये अशुद्ध है और इसका ये शुद्ध रूप है त्योहार। जैसे जरूरत, जरूरत ये अशुद्ध है और ये है जरूरत। ये शुद्ध रूप है। उसी प्रकार से दूसरा, ये शुद्ध है बड़ी मात्रा आएगी दूसरा, ये शुद्ध है। उसी प्रकार से दुख, विसर्ग लगेगा इसमें दुख, ये शुद्ध है ये शुद्ध है। उसी प्रकार से दिवाली, दिवाली जो है अशुद्ध है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दीपावली। दिवाली का शुद्ध रूप हो जाएगा दीपावली। उसी प्रकार से निरोग, निरोग इसमें बड़ी की मात्रा आएगी निरोग। एक उसी प्रकार से ध्वनि, इसमें छोटी की मात्रा आएगी ध्वनि। इसमें परमार्थ,
परमार्थ, तो इसमें आएगा परमार्थ, परमार्थ। ठीक इसी प्रकार से इसमें आएगा जमुना, जमुना का हो जाएगा यमुना, यमुना। तो विद्यार्थियों हम देख रहे हैं अशुद्ध शब्द से शुद्ध शब्द बनाना। आगे हम और भी देखते हैं, जैसे अशुद्ध जो शब्द हैं उनसे शुद्ध शब्द किस तरीके से और बनाए जाते हैं। जैसे बात करें हम नौकरी की, नौकरी, तो इसमें दो मात्राएं आएंगी, नौकरी में दो मात्राएं आएंगी, नौकरी। उसी प्रकार से न्यून, इसमें बढ़ाओ की मात्रा, न्यून। उसी प्रकार से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में आएगा प्रत्यक्ष। उसी प्रकार से बदामी, इसका आएगा बादामी, बादामी का हो जाएगा बादामी। इसका भगत, तो भक्त। उसी प्रकार से भीष्म, भीष्म, तो आदर्श है की जगह आदर्श है षटकोण का जाएगा भीष्म। उसी प्रकार से जैसे भूगर्भ, भूगर्भ, तो इसका होगा भूगर्भ, भूगर्भ, गर्भ की जगह गर्भ। उसी प्रकार से महीना, उसमें महीना, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, महीना में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, महीना। उसी प्रकार से मौन, मौन का हो जाएगा मौन, दो मात्राएं आ जाएगी। उसी प्रकार से यतन, इसका हो जाएगा यत्न, यत्न का हो जाएगा यत्न। उसी प्रकार से रूप, तो इसका हो जाएगा रूप। वैसे ही होगा विपरीत, विपरीत, इसका बड़ी की मात्रा आ जाएगी, विपरीत। ठीक उसी प्रकार से और जो मुख्य मुख्य अशुद्ध से शुद्ध वाक्य हैं वो देखते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और देखते हैं हम, जैसे श्रवण, श्रवण, इसका हो जाएगा श्रवण। उसी प्रकार से संपत्ति, संपत्ति, इसका हो जाएगा संपत्ति, छोटी की मात्रा। सूक्ष्म अशुद्ध है, सूक्ष्म शुद्ध हो गया। हाथ, इसका हो जाएगा हाथ, हाथ का हो जाएगा हाथ। उसी प्रकार से पुण्य, पुण्य का हो जाएगा अणे की मात्रा, पुण्य।
हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आएगा। ये अशुद्ध वाक्य है, इसका हो जाएगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का हो जाएगा हिंदुस्तान। उसी प्रकार से हानि, छोटी की मात्रा हानि। उसी प्रकार से वाटका, इसका हो जाएगा वाटिका। उसी प्रकार से हम देखते हैं वसीयत, वसीयत, तो वसीयत का हो जाएगा वसीयत। शांति, शांति, तो इसका होगा शांति। विद्यार्थियों, तो हमने आज अशुद्ध शुद्ध जो शब्द है उसकी चर्चा की। बहुत से शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य मुख्य अक्षर जो जिनका उल्लेख किया जाता है, जिनका वर्णन किया जाता है, उनके बारे में हमने पढ़ाई की। तो विद्यार्थियों, आज अशुद्ध शुद्ध जो शब्द है वो उसका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ अशुद्ध शुद्ध शब्द की जगह अशुद्ध शुद्ध वाक्य के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।